क्लासेस में पहला जो अपडेट निकल के आया है इसमें को ओप्पो एको एयर फोर, इसमें काली अपडेट निकल है 12.4 इंच आपको डायनामिक ड्राइवर दिया गया, आपको 32 dB एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिया गया, ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी दिया गया, IP55 रेटिंग, डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, ईच बार्ट आपको इक्विप्ड विद आपको उधर 58 mAh बैटरी दिया गया, आपको उधर प्लेबैक टाइम दिया गया 28 आवर का, आपको इट्स क्लेम आपको कम्प्लीटली चार्ज 0 to 100 आपको एन आवर में ये चार्ज हो जाता है। ये अपडेट निकल के आया ओप्पो की तरफ से। तो दूसरा जो अपडेट निकल के आया सैमसंग गैलेक्सी A06 ये लॉन्च हो जाएगा, इसमें आपको 6.7 इंच आपको HD स्क्रीन दिया गया, आपको इधर 60 GB ट्रिपलसेट दिया गया, प्रोसेसर मीडियाटेक हेलियो G85 चिपसेट दिया गया, 6 GB रैम दिया गया, आपको इधर 128 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया, रियर कैमरा 50+2 MP का दिया गया, फ्रंट कैमरा 8 MP का दिया गया, बैटरी आपको 5000 mAh का दिया गया। अपडेट निकल गया सैमसंग की तरफ से। तो तीसरा जो अपडेट निकल के आया इसमें आपको वीवो T3 Ultra, इसमें आपको अलिब्रिज निकल गया 6.77 इंच आपको एमोलेड कार्ब डिस्प्ले दिया गया, 1.5 रेजोल्यूशन दिया गया, आपको उधर 120 GB रिफ्रेश रेट दिया गया, प्रोसेसर मीडियाटेक डिमेंसिटी 9200+ SoC दिया गया, आपको उधर रियर कैमरा 8 MP दिया गया, फ्रंट कैमरा 16 MP का दिया है, बैटरी आपको 5500 mAh का दिया गया। अपडेट निकल के आया वीवो की तरफ से। चौथा जो अपडेट निकल के आया इसमें आपको रियलमी GT7 Pro, इसमें अगले अपडेट निकल गया 6.78 इंच आपको कार्ब एमोलेड LTPO डिस्प्ले दिया गया, विद आपको 120 GB रिफ्रेश रेट दिया गया, प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 SoC दिया गया, LDDR5X रैम दिया गया, UFS 4.0 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया, आपको रियर कैमरा 50+50+50 MP का दिया गया, आपको फ्रंट कैमरा 32 MP का दिया गया, बैटरी आपको इधर 6100 mAh का दिया गया, आपको इधर 120 वाट का वायर्ड फास्ट चार्जिंग का साउंड मिलता है। अपडेट निकल के रियलमी की तरफ से।